Parenting is not only teaching them alphabets or teaching them mathematics. Parenting is an entirely different thing. बच्चे को unconditional love दें आप. आप जब unconditional love देंगे, आप देखेंगे वो बच्चा जो है very confident, ठीक है, और वो आपको हर बात आपसे share करेगा. तो अगर हम बच्चे को अपनी property समझेंगे जो इस वक्त हम समझ रहे हैं, तो we will do things by hook or by crook. जो हमने इस वक्त अडॉप्ट किया हुआ है. लेकिन अगर आप बच्चे को फितना समझ रहे हैं, जो आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, सख्त आजमाइश है, तो आप उसी तरीके से आप अप्रोच करेंगे. हम बच्चों के गिर्द ना काबा की तरह घूम रहे होते हैं. बच्चा बीच में होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी की जो एफर्ट्स हैं वो बच्चे पे लग रही होती हैं. आप ये बताइए कि आप लोग छोटा बच्चा ले लें, डेढ़ साल से कम है, उसमें क्या सिफ्ट सबसे ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करते हैं छोटे बच्चे में? जी, हर चीज़ में हमारे कामों में घुसते हैं. ओके, सॉरी, क्यूरियोसिटी. ओके जी, ट्रायल्स एंड एरर. एक सिफ्ट आप लोग मेरा ख्याल सब मिस कर रहे हैं, जो आप लोग बड़े बेजार होते हैं जिस सिफ्ट से. सवाल जवाब एक सिफ्त होती है, वो आपकी बात नहीं मानता. हो बिल्कुल छोटे बच्चे को ले आप. छोटे बच्चे को जब आप कोई बात बोलते हैं, बड़ा हर उम्र में यही होता है तकरीबन, ठीक है. छोटे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आपकी बात क्यों नहीं मानता हूँ? छोटे बच्चे को क्या प्रॉब्लम, माँ ने बोला मान ले बात. क्या है आप लोगों का एनालिसिस? आप लोग माशाल्लाह माएँ हैं, बड़ी हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस माएँ हैं. इंडिपेंडेंस खुद ही बच्चे के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उसके खालिक ने खुद ही जो है वो कूट कूट के भरी होती है. आप लोग ने देखा कभी जब बच्चा, छोटा बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ हुआ चंद दिनों का बच्चा, जब उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो रोना शुरू करता है. आप अगर उसकी तरफ अटेंशन नहीं दें तो क्या होता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ती चली जाती है. व्हाई इज़ इट? एक छोटे से बच्चे से कोई, उसने हाथ से कोई चीज़ ली है और आप जब उसके हाथ से छीनते हैं तो वो कितना प्रोटेस्ट करता है, भाई क्या तो छीन लिया, ख़त्म. डज इट इंडिकेट समथिंग? जी, ओनरशिप. बच्चा ये बोल रहा होता है रिकग्नाइज मी एंड रिकग्नाइज माय एग्जिस्टेंस, आई एग्जिस्ट. पूरी यानी बच्चे की, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, पूरी सही इसमें लगी होती है. और हम लोग, अल्लाह माफ़ करे, हम उसको दबाने की कोशिश, हम बोलते खुद सर हो गया, बदतमीज़ हो गया है. छोटे बच्चे को भी, बेचारे को बदतमीज़ी का कंसेप्ट मालूम ही नहीं होता बच्चे को, कि बदतमीज़ी का कंसेप्ट क्या है. और हमारा पूरा निज़ाम, घर का निज़ाम और स्कूल का निज़ाम, वो इस सिफ्त को दबाने के चक्कर में. मेरे नज़दीक जो बच्चे का सबसे स्ट्रॉन्ग सिफ्ट है वो उसकी खुदी है, ठीक है. अच्छा, ये खुदी इज़ रिलेटेड टू हिज चैलेंजिंग नेचर एज वेल. बच्चा जब कोई काम करता है या कोई काम लेता है तो उसके दिमाग में होता ही नहीं कि ये काम में वो फेल होगा. He is 100% sure that he is going to succeed. He is very confident. वो जॉन सर केन रॉबिन्सन वो किस्सा सुनाते हैं ना, कि वो एक आर्ट की क्लास थी, बच्चे जो हैं वो कुछ ड्रॉ कर रहे थे, तो उनसे पूछ रहे थे भाई आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं. एक बच्ची से पूछा तुम क्या ड्रॉ कर रही हो, उसने बोला मैं खुदा ड्रॉ कर रही हूँ. तो टीचर ने बोला लेकिन खुदा को तो किसी ने
देखा ही नहीं कि कैसे होता, बोलते अभी आपको मालूम हो जाएगा खुदा कैसा होता। ठीक है ना। तो बच्चों में मेरा जो बच्चे की पूरी जिससे परवरिश शुरू होती है या जो उसका जो बिल्कुल आप बिल्डिंग ब्लॉक है, मेरे नज़दीक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो खुदी है। इकबाल ये बोलता है कि इस खुदी एजुकेशन का काम है इस खुदी को मेंटेन करना। एजुकेशन का ये काम नहीं, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, पूरा स्कूल का जो आपका फ्रेमवर्क है, इंस्टेड ऑफ क्रशिंग दैट खुदी, आप यानी आप ऑब्जर्व करें हर चीज़ में बच्चा ज़िद कर रहा हो। बच्चे को बोलते हो शेयर करो, नहीं करते हम ज़बरदस्ती छीन के देते हो। बच्चा हालांकि वैसे नॉर्मल वैसा बच्चा नहीं है, वो दूसरों के साथ जब आप शेयर कराना चाहते हैं तो वाई डज नॉट अ चाइल्ड लाइक टू शेयर हिज थिंग्स और हर थिंग्स। उसका ये कि दिस दैट इज़ माई छोटी मेरी पोती है, नवासी है, सॉरी शी इज़ 2.5 ईयर्स, लेकिन वो उससे भी छोटी जो मेरी पोती थी वो 7-8 महीने की थी। वो जब टेलीफोन मोबाइल फ़ोन पड़े होते थे तो वो जैसे अगर मेरा मोबाइल फ़ोन किसी और के पास है तो उसे छीन के ला के मुझे देती थी, और वो हर एक, अब इसके भी ये काम है कि वो कहीं वहाँ से उठा के उसको दे रही है। ठीक है। The children very much recognize the individuality of and his right, और हर right, उसके फ़ोन पे उसी का right है। ये बच्चों के अंदर वद्दियत होता है, सही है। अगर आप इस खुदी को मार देंगे तो फिर आपको जो चाहे जिस तरफ ले जाए। मैंने तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मलायम तो जिधर चाहे उधर फिर। राइट तो फॉर मी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी पर्सन, द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो इकबाल ने बोला था, पहले तो हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब द मोर आई स्टडी इकबाल द मोर आई एम इम्प्रेस्ड कि जो असल इंसान का जो इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर इंसान की पर्सनालिटी बनती है वो खुदी है। और ये खुदी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी आदमी की पर्सनालिटी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रांग होगी, और इस खुदी को आप जितना ज़्यादा कमज़ोर करेंगे वो इतनी। ये मैं आपको जस्ट फॉर द स्टार्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है जहाँ आप बच्चों की तालीम की और तरबिया की और रिसर्च की और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू एक्सेप्ट इज़ खुदी, हिज राइट टू बी हिज ओन सेल्फ। ठीक है। मेरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपने बेटे पे किया था आज से 27 साल पहले, वो यही किया था कि उसको मैंने आई रिकग्नाइज्ड हिम एज अ पर्सन एंड आई गेव हिम ऑल द रिस्पेक्ट दैट आई वुड गिव टू एनी ग्रोन अप। और आप यकीन मानिए वो बच्चा यानी ही डेवलप्ड अ वेरी हाई सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझसे मजाक करता था 6 महीने का जब था वो, जब वो 6 महीने का था तो वो मुझसे मजाक करता था। उसकी जो है बड़ी तेज़ी से जो है उसमें कॉन्फिडेंस आया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिन्होंने उसको बचपन में भी देखा है, बड़ी बड़ी महफलों में वो जाके जो इकबाल को पढ़ता था और ही हैड नो, और आज भी माशाल्लाह से वो गो के स्कूल ने मेरी तरबियत को नाकाम कर दिया बहुत हद तक। हमने गलती ये की कि स्कूल में डाला उसको, लेकिन आज भी माशाल्लाह उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट इज़ वेरी हाई। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पिछली एक सेंचुरी ले लीजिए और थोड़ा एक अंदाज़ा तखमीना लगाइए कि कितनी बुक्स हैं जो चाइल्ड लर्निंग, चाइल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी या स्कूलिंग पे लिखी गई होंगी पिछले एक सेंचुरी में,
कितनी किताबें लिखी गई होंगी, जस्ट अ वेरी रफ एस्टिमेट. पूरी दुनिया की आई थिंक टेंस ऑफ थाउजेंड्स. ठीक, अब आप जाइए पिछले टाइम इमेमोरियल से लेके और वो पिछले 100 साल, उसमें कितनी किताब चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको, चाइल्ड लर्निंग में, एजुकेशन में मिलती है? क्या वजह है इसका, आपने कभी एनालिसिस किया क्या वजह है कि सदियों हज़ारों साल में मुश्किल से चंद किताबें चाइल्ड लर्निंग पे लिखी गई और पिछले 100 साल में टेंस ऑफ थाउजेंड्स किताबें, क्या वजह होगी इसकी जी? इसकी बहुत सारी वजह, इसके ये वजह ये है कि वी हैव डेविएटेड फ्रॉम नेचर. आप नेचर से हटेंगे वो आपको छोड़ेगा नहीं. नेचर, ये तो अंग्रेज़ों के अब समझ में आ रहा है. अंग्रेज़ तो बोलते नेचर को तो हमने कब्ज़ा कर लिया. अच्छा, एक और चलें, एक सवाल और पूछता हूँ. जो इल्म है वो हर मुसलमान मर्द और औरत पे मुस्तहब है, नफल है उनके लिए, क्या ख़्याल है आपका? वाजिब है. और इसी तरह दूसरी इबादत, नमाज, ज़कात, हज, ये क्या हैं? वही ठीक है. कोई शरायत है नमाज के लिए? नमाज, चलें नमाज तो होश में होना लीजिए. रोज़े के लिए कोई शरायत हैं? ज़कात के लिए कोई शरायत हैं? हज के लिए कोई शरायत हैं? इल्म के लिए कोई शरायत हैं? भाई इल्म के लिए शरायत होना चाहिए, हज़ारों रुपए होंगे तो आप इल्म हासिल कीजिए. क्यों हंस रहे, क्यों रहे आप? आजकल क्या है कंसेप्ट, क्या है कि जितना ज़्यादा आपके पास इल्म पैसे होंगे उतने अच्छे स्कूल में आप डाल सकेंगे, उतना अच्छा इल्म आप दे सकेंगे. क्या ये गलत है कंसेप्ट? ये तो मॉडर्न कंसेप्ट है. सिर्फ उसमें गलती है कि ये अल्लाह ने इस चीज़ का इहाता नहीं किया था उस वक्त. अल्लाह मियाँ नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि हमें आगे चल के पैसे से इल्म बेचना पड़ेगा या पैसे से इल्म डिलीवर करना पड़ेगा. उस वक्त अल्लाह मियाँ ने इतने आगे का सोचा नहीं था. क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक है, और क्या हो सकता है इसका, कोई अल्टरनेट थिंकिंग बताइए. इल्म हासिल करने के लिए पैसे की ज़रूरत अल्लाह मियाँ ने रखी है? फदियत है. ये तो इमाम गजाली भी ये बोलते हैं, प्लेटो जैसा आदमी ये बोलता है, इल्म अंदर वदियत है. ठीक है, अल्लाह मियाँ कुरान में क्या बोलता है कि जो निशानियाँ दिखाता है वो क्या बोलता है, वो क्या हैं? आयात हैं, रिकलेक्शन, रिमाइंडर्स हैं. फिर कुरान क्या बोलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने के बाद क्या हुआ था कि तमाम उनकी आने वाली नस्लों को निकाला गया था और उनसे कुछ सवाल किया गया था. क्या सवाल था वो? अलस्तु बिरब्बिकुम, के क्या मैं तुम्हारा, ये नहीं बोला अल्लाह मियाँ ने देखो याद रखना मैं तुम्हारा रब हूँ. ठीक है, अलस्तु बिरब्बिकुम, के क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ. और उन्होंने जवाब क्या दिया था? कालू भला शाहिद ना, हम अपने ऊपर गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं. ठीक है, ये नहीं बोला कि आप गवाही देते हैं कि आप हमारे बनाने वाला खालिक आप खुदा, आप हमारे रब हैं. रब इज़ द होल कंसेप्ट. मेरा जो थिंकिंग है कि रब के अंदर आपके तमाम अलूम, खालिक के और तख्लीक के तमाम अलूम जो हैं आ जाते हैं.
और ये प्लेटो जैसा आदमी जो है वो हज़ारों साल बोलता है कि इल्म अंदर है, और जो हमें जस्ट वी हैव टू गिव रिमाइंडर्स, वो जो भी था उनका, लेकिन बहर कैफ ये फिर ही आगे चल के इमाम गजाली से भी हम ये सुनते हैं, और अब किससे सुन रहे हैं हम? सर केन रॉबिन्सन से सुन रहे हैं। सर केन रॉबिन्सन अभी के हैं, वो बोलते हैं कि इल्म बाहर से नहीं, इल्म अंदर से होता है, और एक जो मुअल्लिम होता है उसका काम वही है जो एक माली का काम होता है। माली खींच खींच के दरख्तों को और पौधों को नहीं निकाल रहा होता, वो फूलों की पत्तियों को रंग नहीं कर रहा होता, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें बेहतरीन तरीके से वो ग्रो कर सकें। और इल्म जो है वो ग्रोथ का प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब ने जो अपना थीसिस लिखा था, एमलेट का थीसिस जो था, वो उसी में वो जो पब्लिश हुआ है द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन के नाम से, उसमें वो यही बात करते हैं। ये प्रोसेस या डायनेमिक्स ऑफ ग्रोथ, यानी मिसाल के तौर पे जब आपकी बॉडी बढ़ना चाहती है तो क्या होता है, जब आपकी बॉडी बढ़ना चाहती है तो क्या होता है, आपको भूख लगती है, ठीक है, जब आपको भूख लगती है तो आप अपने अंदर इनटेक लेते हैं, खाना खाते हैं, फ्यूल डालते हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रही और ज़बरदस्ती आप खाते रहें तो क्या होगा, बदहजमी होगी, है ना। आप लोगों के जो बच्चे हैं, मुझे एक बच्चा बता दें कि जो इनक्विजिटिव ना हो, अदर देन अगर उसको अल्लाह माफ़ करे कि ज़हनी कोई प्रॉब्लम हो, बहुत कम ऐसा होता है, आप मुझे एक बच्चा बता दें कि जो पैदाइशी यानी पैदाइश के वक्त से इनक्विजिटिव ना हो, हैं? नहीं, आप लोग बिल्कुल यानी इम्पार्शली सोचें इसको। कोई है ऐसा बच्चा आपने देखा कि जो इनक्विजिटिव ना हो, जो इल्म हासिल ना करना चाहता हो? बच्चा तो दुनिया के पीछे, बच्चे को आप रोक नहीं सकते लर्निंग से, इनको बड़ा अच्छा, कहाँ गए वो इब्राहिम, कहाँ गए इब्राहिम से सवाल पूछा था किसी ने कि आप कौन से स्कूल जाते हैं, तो इब्राहिम ने बोला कि मैं स्कूल नहीं जाता मैं घर, तो उन्होंने बोला फिर आपको लर्निंग कैसे वाक़ होती, तो इब्राहिम ने क्या जवाब दिया था, आपने बोलना कैसे फिर इसने बोला कि क्या दिमाग में लॉक लग जाता है, लर्निंग तो वाकई होती ही रहती है, कोई दिमाग में इस तरह थोड़ी कि स्कूल जाके आपका लॉक खुलता है और स्कूल से निकलते हैं तो आपका लॉक लग जाता, ठीक है। लर्निंग इज़ कंटिन्यूस, इट इज़ नेचुरल, इट हैज़ टू बी एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, द लर्नर। अगर उसकी नीड के मुताबिक होगी तो वो उसका जो है ना वो सही होगा हाजमा लर्निंग का, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, अगर आप बच्चे को इल्म का इंजेक्शन लगाने जिस तरह के स्कूल में कोशिश की जाती है, तो वो बदहजमी होगी, बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। इस शेर से कुछ आप लोग समझ रहे हैं? अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, सही है। हमारा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, हमारा जो परसेप्चुअल मेकअप है, परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदू मा तअबुदून, ठीक है, हमारा जो परसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो दूसरी कौमों से बिल्कुल अलग है, है क्या ख्याल है आपका? लेकिन हम तो उनके सिस्टम लेके अपने ऊपर लागू कर रहे होते हैं, हम तो बड़े फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं कि उनके हम एजुकेशनल थ्योरीज़ को अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि उनके परसेप्चुअल फ्रेमवर्क के तहत डेवलप की गई, जो उनके अजम्पशंस पे। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं पागल हो गया हूँ हकीकत, यानी छोटी बात नहीं है, ये इतनी सीरियस बात है
आपको इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जवाब देना होगा कि तुमने काफिर कौम के तरीक़ों को क्यों फॉलो किया। आप तसव्वुर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आप खड़े हुए यौम आखरत में, और अल्लाह मियाँ पूछता है कि भाई तुमने ये उस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को क्यों डाला, आप लोग क्या जवाब देंगे? जी जी प्लीज़। ये आपका अजम्पशन है। देखिए मसला क्या है, ज़बान एक बड़ी मज़े की बात है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़बान कौन सी है? हमारी मदर टंग। उसमें बच्चे की दिमाग की ग्रोथ होती है, ठीक है। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़बान है वो कौन सी है? अरबी है। हम अरबी क्यों नहीं सिखाते बच्चों को? अगर बच्चों को दूसरी ज़बान सिखानी है तो हम अरबी क्यों नहीं सिखाते? असल में ये एक मुअम्मा बना दिया गया है। लोग बोलते हैं अरबी क्यों नहीं सीख रहे, बड़ा मुश्किल ज़बान है। ठीक है, मैं बोलता हूँ अच्छा, अरबी बहुत मुश्किल ज़बान है, अंग्रेज़ी बहुत आसान ज़बान है, वो तो सीख ली तुम लोगों ने, जिसका हमारी ज़बान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो तो तुम सीख लेते हो, लेकिन अरबिक जो है हमें मुश्किल लगती है। बहर क्या जी, नहीं मैं आपको, वैसे आपके सवाल का जवाब ये है कि लैंग्वेज कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। आप कम से कम, मेरा अपना ये ख्याल है, 10 साल की उम्र तक हमें चंद ज़बानों पे, एक तो अपनी ज़बान पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड बच्चे को करना, इसलिए कि पूरी उसकी थिंकिंग है, पूरा जो उसकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो ज़बान से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ज़बान है, नमाज कितने साल में फ़र्ज़ होती है? फ़र्ज़ यानी आप बोलिए कि 7 साल में बोला है कि उस पर लागू करो, 10 साल में उस पर बोला है कि भाई नमाज़ पढ़ो, 7 साल में लागू करो। नमाज क्या है? नमाज इज़ आवर कम्युनिकेशन विद अल्लाह सुभान व तआला, द मोस्ट अफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद अल्लाह सुभान व तआला। ठीक है, यहाँ तो बच्चों की बात हो रही है, हमें से बताइए हमें से कितने लोग हैं जो अल्लाह मियाँ से वाकई कम्युनिकेट करते हैं नमाज में? हमें से कितने लोग हैं जो नमाज में वाकई अल्लाह मियाँ से कम्युनिकेट करते हैं? हमें यह मालूम होता है कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, और हमें यह मालूम होता है कि अल्लाह मियाँ हमें क्या जवाब दे रहे हैं। फिर आप झुक जाते हैं कि अल्लाह मियाँ मैंने मान लिया। क्या माना, क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या वजह है कि ये लोग जो यूरोपियंस हैं ऐसे बेवकूफ़ है कि अपने बच्चों को 10 साल से पहले अंग्रेज़ी से इंट्रोड्यूस नहीं करते, और हम इतने अक्लमंद हैं कि 1.5 साल की उम्र में, 1.5 साल का जब बच्चा पैदा होता है बोलना शुरू करते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं कि अंग्रेज़ी उसको नहीं सिखाई जा रही। देखिए, अंग्रेज़ी की आपको ज़रूरत कब पड़ती है या क्या पड़ती है? जो बेसिक अलूम हैं, जो बच्चों की मैथमेटिक्स है, जो बच्चों की साइंस है, वो उसमें अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा दखल नहीं है। वो तो आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, घर लोगों ने उर्दू में लिखी हुई भी हैं। ठीक है, मैंने बड़े सालों अंग्रेज़ी बोली है, और मेरा चूंकि मर्चेंट नेवी से भी ताल्लुक़ रहा है, अंग्रेज़ी, लेकिन मुझे कोई भी सवाल जितना उर्दू में समझ में आता है अंग्रेज़ी में नहीं समझ में आता। हाँ, उन बच्चों के लिए जो रहते ही बाहर हैं, अंग्रेज़ों के मुल्क में रहते हैं, वो ख़ुद ब खुद अंग्रेज़ी सीख जाते हैं, उनके लिए भी हमें कोई बड़े प्लान मैनर में अंग्रेज़ी नहीं सिखानी पड़ती है। जब आप कोई ज़बान लेते हैं तो ज़बान सिर्फ आप ज़बान नहीं लेते, वो बल्कि ज़बान किसी कल्चर के गिर्द डेवलप हुई हुई होती है। ठीक है ना, तो आप जब बहुत छोटे बच्चों को जब लैंग्वेज में हम डालते हैं तो उसके साथ उसका पार्ट एंड पार्सल जो है वो उनका कल्चर होता है। मेरे नज़दीक ये मिसकंसेप्शन है कि अंग्रेज़ी ज़रूरी है। अंग्रेज़ी सिर्फ ज़रूरी है आपको किसी अच्छे स्कूल में, जो आप जिसको अच्छा स्कूल समझते हैं, ठीक है, उसमें दाखिले के लिए वो आपके अंग्रेज़ी का टेस्ट लेते हैं। मेरे बच्चे का टेस्ट लिया गया, उसको जो है वो तस्वीर दिखाई बकरी की और बोला ये क्या है, तो बोला ये गधा है। 4 साल का था, तो उन्होंने, टीचर उसको जानती थी उस बच्चे को, उन्हें बोला बेटे नहीं नहीं कुछ और चीज़ें देखें क्या, उन्होंने बोला गधा है। फिर बोला नहीं आप
इसको गौर से देखिए, क्या उसने बोला गधा है? उसने बोला बेटा गधा नहीं है, कोई और चीज़ है। क्या उन्होंने बोला? अगर गधा नहीं है तो घोड़ा है। अच्छा, वो टीचर भी हैरान, वाइफ भी हैरान। वो जब बच्चे को लेके निकली हैं तो बच्चा बोलता है, अपनी वालदा से बोलता है कि इतनी बेवकूफ़ टीचर है कि उसको ये नहीं मालूम ये बकरी है, ये मुझसे पूछ रही है ये क्या। हम अपनी नज़रों से देख रहे होते हैं, ठीक है, और बच्चा जो है वो अपने लॉजिक से सोच रहा होता है, सही है। और कोई बच्चा ये किसी बच्चे को भी इम्तिहान पसंद नहीं है कि आप उसको आजमाइश में डालें, किसी बच्चे को पसंद नहीं, राइट हो। चले, मैंने वो असल में जस्ट टू चेंज दी टॉपिक मैंने इसको इस्तेमाल किया, जब जाँ भी गिरुए गैर बदन भी गिरुए गैर, अफसोस के बाकी न मकाँ हैं न मकी हैं, यूरोप की ग़ुलामी पे रजामंद हुआ तो मुझको तो गिला तुझ से है, मुझको तो गिला तुझ से है, यूरोप से नहीं। सूरह फातिहा लीजिए, जो आप हर रोज़ पढ़ते हैं, दिन में 17 दफ़ा पढ़ते हैं सूरह फातिहा, उसमें आप अल्लाह से हदायत की दुआ कर रहे हो, अल्लाह से प्लीड कर रहे होते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखाइए, उनका रास्ता दिखाइए जिन पे आपने इनाम करम किया, और उनका रास्ता ना दिखाइए जिन पे आपका गज़ब टूटा, और ना ही उनका जो कि बह गए। ये हम अल्लाह से इस्तदा कर रहे होते हैं, लेकिन हम रास्ता इंटेंशनली किसका फॉलो कर रहे हैं ये सोचने की बात है। बहुत, यानी मेरे नज़दीक इतना सीरियस क्राइम में हम इस वक्त मुब्तला हैं कि आखिरत में मुझे नहीं समझ में आता कि अल्लाह के सामने हम छूटेंगे कैसे, हम क्या बहाना बना सकेंगे जब अल्लाह बोलेगा कि उसको तुमने खलीफतुल्लाह फिर लड़ मैंने पैदा किया, उसको पोटेंशियल के साथ तुमने उसको क्या बनाया। आप क्या ये बोल सकेंगे कि हमने तो उसको अंग्रेज़ों के उस पर डाला, या अंग्रेज़ों के निज़ाम तालीम में डाला, या उनका हमने ग़ुलाम बनाया? ये कितना बड़ा क्राइम है, छोटा क्राइम है। और हर रोज़ आप 17 दफ़ा ये रिपीट कर रहे होते हैं नमाज, अल्लाह से आप प्लीड कर रहे होते हैं कि हमें अल्लाह के मबगूज जो हैं यहूदी कहलाते हैं, और जो भटक गए नॉर्मली उलमा ख्याल है कि वो ईसाई हैं, और वी आर ट्रेडिंग हजूर की वो हदीस के एक ज़माना आएगा कि तुम पूरी तरह से उनके रास्ते पर चलोगे, यहाँ तक कि अगर वो गो की बिल में घुसे हैं तो तुम भी उस बिल में घुसेगे। ये आपको याद है हदीस, है बड़ी कॉमन हदीस, ये किस ज़माने के हजूर ज़िक्र कर रहे थे वो? ये तो एक इसका एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट जो मैं, जिस पे हमें गौर करना चाहिए है कि, फिर आपसे सवाल ही करूँगा कि ये बताइए कि बच्चे की तरबियत, तालीम व तरबियत कितना मुश्किल काम है। बच्चे की तालीम व तरबियत आपने बिल्कुल सही, रोल मॉडलिंग जिसको आप बोलते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे हम बच्चों के गिर्द ना काबा की तरह घूम रहे होते हैं, बच्चा बीच में होता है, हमारी पूरी ज़िंदगी की जो एफर्ट्स हैं वो बच्चे पे लग रही होती है, ठीक है। आपसे अभी मैंने ज़िक्र किया था कि हज़ारों साल में आपको चंद किताबें बच्चे की तालीम व तरबिया पे मिलती हैं, और पिछले 100 साल में टेंस ऑफ थाउजेंड्स प्रॉब्ली मिलियंस ऑफ किताब जो है बच्चे की तरबिया, बच्चे की एजुकेशन पे लिखी जाती है, सही है। मेरे नज़दीक उसकी वजह यह है कि सिंस वी हैव डेविएटेड फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, आज से 150 साल ये तालीमी निज़ाम कितना पुराना है जी? सॉरी, 250 साल, 200 साल। ये मदरसे का निज़ाम कितना पुराना है? अच्छा, नहीं वो मैं असल में एक मिसकंसेप्शन आपसे दूर करूँ, ये जो
स्कूल का निज़ाम तो आपको मालूम है कि जब इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस पर उनको चाहिए थे ऐसे लोग जो उनके इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर सकें, उनके बिजनेसेस चला सकें. सो दे डिवाइस्ड स्कूल, और बिल्कुल उन्होंने इंडस्ट्री मॉडल पे स्कूल को कायम किया, जहाँ घंटियाँ बजती हैं, जहाँ शिफ्ट सिस्टम होते हैं, जहाँ बैचेस पे बच्चे आगे चलते हैं. ठीक है ना, एक उम्र का बच्चा जो एक ही उम्र के बच्चे उनको आप बैचेस में आगे लेके चल रहे हैं, आप उनको फिर वहाँ जाके क्वालिटी चेक होता है और फिर आप आगे बढ़ाते हैं या पीछे रखते हैं. जी जी ठीक है. मदरसा क्या कर रहा है? मदरसा भी यही कर रहा है. तो आपका क्या ख्याल है कि मदरसे का सिस्टम यही था पहले भी? ये मदरसे, अच्छा चले दर्स निज़ामी ले लीजिए, जो दर्स निज़ामी की क्या हिस्ट्री है वो कितना पुराना है? दर्स निज़ामी नहीं, दर्स निज़ामी जो इस वक्त राइज है वो तकरीबन 250 साल पुराना है. ये दर्स निज़ामी जो अभी जो राइज है ये औरंगज़ेब आलमगीर के वज़ीर के एक बेटे थे, वज़ीर के बेटे थे जिन्होंने ये निज़ाम बनाया था सिविल सर्वेंट्स के लिए. तो जब ये देवबंद का मदरसा कायम हुआ है तो उनको एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम वो नज़र आया जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया. इनका ये कहना है कि ये जाके उसको मिलाते हैं निज़ाम, क्या नाम था उनका, निज़ाम अल मुल्क से मिलाते हैं जो अलसलान के वज़ीर थे. वो बोलते हैं कि उन्होंने जो मदरसे कायम किए थे जिसमें इमाम गजाली भी उन मदरसों में इन्वॉल्व थे कि ये वहाँ से लिए, वो ये वहाँ से, आई डू नॉट नो, कहीं से जाके मिलता होगा. लेकिन आप ये देखिए कि एक आलिम बनाने के लिए आपका क्या ख्याल है कि कम अज़ कम कुरान पूरा पढ़ना चाहिए या कुरान पूरा पढ़े बगैर भी आलिम बन सकते हैं? जी ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है ना, कुरान को एब्ज़ॉर्व करना बहुत ज़रूरी है. जो दर्स निज़ामी है इसमें पूरा कुरान नहीं है, कुरान का एक हिस्सा है, इसी तरह हदीस का एक हिस्सा है, इसी तरह फ़िका है. ठीक है, तो ये तैयार किया गया था सिविल सर्वेंट्स के लिए औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में, जिसको अडॉप्ट किया गया. मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो जहन में कंसेप्ट है ना कि भाई स्कूलिंग, अच्छा स्कूल नहीं तो मदारिस बड़े पुराने हैं, मदारिस का जो निज़ाम है वो भी पुराना नहीं. जो असल निज़ाम तालीम पहले था वो जो घूमता था वो एक मुअल्लिम के गिर्द घूमता था, हलके होते थे. अभी भी बहुत सारे इलाकों में मोरक्को में जाएं तो वो आपको ऐसे नज़र आएंगे हलका जात. ठीक है, उसमें वही आदमी आता था जिसको इंटरेस्ट होता था उस आलिम के इल्म में. जी 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 वो आलिम क्या करता था? जी 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 वो हर एक वो था, उनके साथ आप जुड़ जाते थे. अच्छा, जहाँ तक कुछ फ़क़ी अलूम या फ़िक़ी अलूम या आपके अहादीस के अलूम या कुरान के अलूम होते थे तो आलिम क्या करता था कि वो जितना दे सकता था इल्म देता था उस तालिब इल्म को, फिर क्या बोलता था, अब तुम्हारा जो अब नेक्स्ट तुम्हें जो क्वारी है वो उसके पास तुम्हें मिलेगी. तो उसमें होता क्या था, सवाल कहाँ से होता था? तालिब इल्म की तलब के लिहाज से मूव करता था वो, उसको ज़बरदस्ती इल्म के बाकायदा कोई करिकुलम नहीं दिया जाता था स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, अंग्रेज़ भी उस तरह नहीं सोचते जो हमारा नज़रिया है मदारिस का या हलकों का, कि तालिब इल्म जो हैं वो सिर्फ रेसिपिएंट्स होते हैं और जो आलिम होता है वो सिर्फ इल्म दे रहा होता है. आप इमाम शाफ़ी की हिस्ट्री पढ़िए, इमाम शाफ़ी ने बहुत हलकों को उन्होंने अपनाया, वो बाकायदा उनकी आर्गुमेंट्स होती थी इमाम मालिक से, इमाम मोहम्मद से, बाकायदा उनकी आर्गुमेंट्स होती थी. कई दफ़ा वो लोग मान लेते थे इमाम शाफ़ी के नुक्ते, वो बहुत यंग थे इमाम शाफ़ी उस ज़माने में, और बहुत दफ़ा जो है वो इमाम शाफ़ी उनके नुक्ते नज़र को मान लेते थे. तो ये जो हमें कंसेप्ट दिया जाता है पूरा, अल्लाह माफ़ करे, देने वाले भी इतने मुस्तनद होते हैं कि हम इनकार नहीं करते, लेकिन बहर क्या है,
مسئلہ جو ہے آپ اور اللہ رب العزت کا ہے کہ جب اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اس سے کوئی اور چیز آپ اخذ کرتے ہیں؟ ولا تزر وازرۃ وزرا اخرا، کوئی چیز اخذ کرتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہاں تک کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو وہ بھی اس پہ تیار نہیں ہوگا کہ کوئی چیز کوئی تھوڑا سا بھی بوجھ دوسرے کا اٹھائے. اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ کوئی چیز اخذ کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا انڈکٹیو، ہاں نہیں، اس کا مطلب یہ، آپ بالکل صحیح بول رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری سنگل پرسن ہیز بین بورن اسمارٹ انف ٹو ٹیک ہز اون رائٹ ڈیسیشن اینڈ ٹیک ہز اسٹینڈ بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اقبال بھی اس چیز کو بہت پروجیکٹ کرتا ہے، انہیں آپ لوگوں میں سے ہر فرد اللہ میاں نے اتنا اسمارٹ بنایا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیشنز جو ہے وہ خود لے سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری آخرت میں وہ خود اٹھائے گا. ایم آئی رائٹ، آئی ایم رانگ؟ لیکن ہم نے جب جو ہے نا جان بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، ہم نے گروی رکھا دی ہے اپنی عقل کو، اپنے پورے کلچر کو، اپنے دین کو، اینڈ وی آر ان اے ٹوٹل آف ویسٹرن سوسائٹی اینڈ دیئر نالج. بہر کیف، انہیں ایک تو پہلی بتائیے کہ بچوں کا کیا اسٹیٹس ہے والدین کے لیے؟ بچے آپ کی پراپرٹی ہیں ہے نا، امانت ہیں. تو امانت میں کیا ہوتا ہے کہ امانت میں مرضی کس کی چلتی ہے؟ جس میں امانت ہو. جی. تو اگر ہم بچے کو اپنی پراپرٹی سمجھیں گے جو اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں، تو وی ول ڈو تھنگس بائی ہک اور بائی کروک، صحیح ہے، جو ہم نے اس وقت اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بچے کو فتنہ سمجھ رہے ہیں، جو آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے سخت آزمائش ہے، تو آپ اسی طریقے سے آپ اپروچ کریں گے. نمبر ون. نمبر ٹو، اسلام کیا ہے؟ دین فطرہ ہے. انسان کو کس میں اللہ میاں نے پیدا کیا ہے؟ اور اللہ میاں کیا بولتا ہے کہ فطرہ بدلا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے. تو وی آر موسٹ، یہ کون آج کون بول رہا ہے؟ یہ کین رابنسن، کہ ہیومن بینگ از آرگینک. کین رابنسن تقریباً بولتا ہے کہ جو انسان ہے وہ آرگینک ہے، ٹھیک ہے. ایک غیر مسلم بھی اسی تسلیم کر رہا ہے. یہاں پہ جو اصل میں جو مدعو کیا گیا تھا میں، اس کا یہ تھا کہ گھر میں اگر ہم فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں، تو اس کو جو ہے ہاؤ کین وی مینیج اے فیسیلیٹیشن سینٹر، اس میں ریسرچ ہوا، اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہم کیا رکھیں گے. میرا جو ابھی پوری گفتگو جو جس بیسس میں کر رہا تھا کہ لرننگ جو ہے وہ بالکل نیچرل ہے بچے کے لیے. بچہ کتنی عمر میں جا کے ریسرچ سیکھتا ہے، کس لیول پہ جا کے؟ ریسرچ کے بغیر کوئی چیز مانتا ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہے کوئی ریسرچ کے بغیر؟ ٹھیک ہے، وہ بچہ اب وہ سائنس بولتی ہے، سائیکالوجی بولتی ہے کہ نیو بورن بیبی از دا موسٹ انٹیلیجنٹ تھنگ ان دا ورلڈ. اور نیو بورن بیبی از دا موسٹ انٹیلی، انہوں نے برین ایکٹیویٹی سے لگایا ہے، ٹھیک ہے، اندازہ لگایا. تو ہم اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں جتنا بچہ انٹیلیجنٹ ہے. ہم اپنی انٹیلیجنس کو بچے کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اوور ڈو کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کو اپنے سروں پہ لاد لیا ہے، ہم نے، ہمارا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ بچہ ہو گیا ہے. ہمارا فوکل پوائنٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کس کے گرد گھومنا ہے؟ اللہ رب العزت. ہمارا فوکس اللہ رب العزت ہونا چاہیے. اگر آپ کا وہ فوکس ہٹ جائے گا
تو آپ یقین مانیے وہ آپ اس پتنگ کی طرح ہو جائیں گے کہ جس کا کوئی ڈور نہیں کوئی کنٹرول نہیں. پھر آپ کہاں لینڈ کرتے ہیں وہ ہمارا. اگر آپ کا فوکس پوائنٹ اللہ رب العزت ہوں گے آپ کے تمام معاملات, آپ کا اپروچ درست ہوگا آپ کے تمام معاملات درست ہوں گے. ٹھیک ہے. اس وقت ایک جو بڑے فتنے ہیں ان میں سے ایک بڑا فتنہ ہمارا جو ہے کہ ہم نے اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب از مور اسمارٹ دین وی آر, دے ہیو مور ریسرچ اینڈ دے آر گیونگ اے بیٹر پیکیج ان ایجوکیشن دین وی آر سیلز. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پری پروگرامڈ آتا ہے اور آپ کا جو اسٹیٹس ہے اس لحاظ سے وہ بچہ پروگرام کیا گیا. آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ اللہ کے نائب ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ میں نے جتنے آپ کے اندر پوٹینشیل کریٹ کیا ہے وہ اس نیابت ہی کے لحاظ سے اللہ میاں نے کیا ہے. رائٹ ہو. اٹ از گڈ دیٹ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ چائلڈس تربیہ, لیکن چائلڈس تربیہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ بچے کی تربیہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے بچہ کس کو ہیرو سمجھتا ہے, بچہ کس کو کاپی کرتا ہے؟ رول ماڈلز. یو ہیو ٹو بی اے رول ماڈل فار یور چائلڈ. ہمیں تو بچے کو ڈانٹتے ہوئے, بچے کو اسکول کی نظروں سے دیکھتے ہوئے, بچے کو جو اسکول بولتا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی یہی بچہ ہے ہمارا. بچے کو سب سے زیادہ غم اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس پہ مسٹرسٹ کر کے کسی اور کی بات اس کے بارے میں مانتے ہیں. وہ اتنا بڑا دھچکا ہوتا ہے وہ یوٹیوب بروٹس والا. ٹھیک ہے نا. بچہ ایک شوق کی حالت میں جاتا ہے کہ میری ماں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی یا میرا باپ مجھ پہ نہیں ٹرسٹ کرتا. صحیح ہے. بچے کی لرننگ بیسٹ اس وقت واقع ہوتی ہے جس طرح آپ نے بولا کہ جب وہ سیکیور فیل کرتا ہے. نہیں تو بچہ جو ڈائیورٹ ہوتا ہے. بچے کو مجھ سے عموماً یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم بچوں کو کتنی محبت کریں, بچے سے کتنی محبت کریں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, بچے سے کتنی محبت؟ بے لوس, بے حد محبت. اپنی جگہ پہ محبت بچے کا حق ہے, محبت بچے کا حق ہے. آپ اس سے بہت محبت کریں کہ وہ آپ میں سیکیورٹی فیل کرے. لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اوور انڈلجنس میں جائیں. ٹھیک ہے. بچے کو آپ سپوائل کریں, بچے کے منہ سے کوئی لفظ نکلے نہیں کہ آپ. حضور کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ یہ وقت ایسا آئے گا کہ مائیں اپنے ماسٹرز کو, اپنے آقاؤں کو جنیں گی. کیا خیال ہے کون سا زمانہ ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. بچوں کے پاس جاؤ تو وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ, یعنی ہم اپنے بچوں کے پاس جائیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کا اس طرح خیال کیجیے گا, اس کو بھاگنے نہیں دیجیے گا, اس کو گرنے نہیں. آئی ایم امیزڈ جیسے ہم نے بچے نہیں پالے. وی ہیو کراسڈ آل باؤنڈز ایکچولی. یعنی ابھی تو ایسی اندھیر نگری لگی ہوئی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں, مجھے پریشانی, مجھے صرف یہ پریشانی ہے کہ جب اللہ میاں کے سامنے ہم لائن بنا کے کھڑے ہوں گے اس وقت ہم کیا دماغ میں جواز لا رہے ہوں گے. یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیے آپ کے لیے جو سب سے اہم جو پیریڈ ہے وہ 0 to 10 years ہے. 0 to 7 years از ویری امپورٹنٹ. 0 to 7 years میں آپ پہ ایکسٹرنل انٹروینشن سے بچنا ہے. بچہ جب خود ڈیمانڈ کرے گا, بچے کو خود شوق ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کا, اس کو لکھائیے پڑھائیے, اس کو آپ ناظرے پہ ڈالیے. ٹھیک ہے نا. وہ لکھنے کا شوق لے کے بیٹھے گا, اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح ہے. 7 سال تک ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے میرے نظر میں وہ نماز کے لیے بچے کو تیار کرنا.
نماز ایک بہت بڑا تربیتی نظام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. صحیح ہے. اللہ میاں کو کون لوگ زیادہ پسند ہیں؟ جو زیادہ متقی ہوتے ہیں, جن کا تقوی زیادہ ہوتا ہے. نماز آپ پہ تقوی ڈیولپ کرتا ہے, بہت زبردست ٹول ہے تقوی. تو ہمارا جتنا فوکس ہونا چاہیے, اب آپ اس لحاظ سے چیزیں دیکھ لیں کہ نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. بہت زیادہ ضروری, کم از کم اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے اور اللہ اس کو کیا جواب دے رہا ہے. 7 سال میں بچے کو اس قابل ہو جانا چاہیے. میں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں اسپیس کی کہیں سے باتیں کر رہا ہوں, لیکن حقیقتاً آپ کے بچے کو 4 سال میں آپ انگریزی سکھا سکتے ہیں, تو 6-7 سال تک آپ عربی نہیں سکھا سکتے اتنی عربی کہ وہ قرآن کو سمجھے. یعنی نماز کا سب سے امپورٹنٹ جز کیا ہے؟ نماز کا سب سے امپورٹنٹ جز تلاوت ہے. ٹھیک ہے, تلاوت. تلاوت کے بعد آپ جھک جاتے ہیں. صحیح ہے, اللہ نے جو حکم دیا اس کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ تلاوت سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا کوئی فائدہ ہے ایز سچ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے اب بچے کی تربیت جو ہے. 7 سال میں اے چائلڈ شوڈ بی ایفیشینٹ انف ٹو آفر نماز ود انڈرسٹینڈنگ, جو اس کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو چیز ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. 7 سے 10 سال جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے آپ ایکسٹرنل, 7 سال میں جو ہے بچہ باہر دیکھنا شروع ہوتا ہے. آج کی سائیکالوجی بھی یہی بولتی ہے. پہلے وہ 6 سال بولتے تھے, پہلے تھا کہ 6 سال میں بچوں کو اسکول میں ڈالیں ویسٹ میں, اب وہ بھی اس چیز کے قائل ہو گئے کہ 7 سال. اصل عمر جو بچے کی اسکول کی انٹری کی وہ 7 سال, اور تمام قوموں میں 7 سال ہی تھا. یعنی یہ نہیں کہ حضور نے کوئی ایک نئی بات بولی تھی, وہ پوری قوموں میں جو تھا وہ 7 سال کی عمر میں ایکسٹرنل انٹروینشن, 7 سال میں بچہ باہر دیکھنا شروع ہوتا. 7 سال سے 10 سال از اے ویری گڈ ٹائم جہاں آپ آہستہ آہستہ ایکسٹرنل انٹروینشنس میں بچوں کو آپ ڈال سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس. 7 سال تک آپ پروٹیکٹ کریں گے, 7 سے 10 سال تک آپ ڈالیں گے. 10 سال میں اگر آپ نے بچے کی صحیح تربیت کی ہے, اس میں اتنا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا کہ ہی وڈ بی ایبل ٹو ڈسرن رائٹ فرام رانگ. ٹھیک ہے, اس میں اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں, 10 سال کے بعد اگر جی ہو گئے بڑے, جی جی, اب 10 سال کے بعد اب کیا ہو؟ 10 سال کے بعد جو ہے آپ بچوں کو اسپیشلائزیشن میں ڈالیے. ایک فیملی ہے امریکہ میں, کتاب کا نام کیا ہے دا برینی بنچ کے نام سے کتاب ہے. آپ لوگ اس کو جا کے, دا برینی بنچ. امریکہ میں ایک فیملی ہے, مذہبی فیملی ہے, کرسچن فیملی. اس کے 10 بچے ہیں. 10 بچوں میں سے 7 بچے جو ہیں وہ 12 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں, اور وہ 7 بچے جو ہیں 12 سال یا اس کی کم عمر میں یونیورسٹی میں پہنچے ہیں. اس کی جو ماں ہے وہ ہاؤس وائف تھی, اور جو باپ ہے وہ ہیلی کاپٹر پائلٹ ہے. نن آف دیم آر انٹلیکچوئل. صحیح ہے, ایک پوائنٹ جو انہوں نے پروو کیا ہے کہ اسکول آپ کا کتنا وقت ضائع کرتا ہے. جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ 10.5 سال کی عمر میں یونیورسٹی میں پہنچا. اچھا, اب یہ بتائیے, اصل میں تو پتہ ہی کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اصل میں جو چیز کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نیچرل ہے. ہم جو ہیں اگر اللہ کے دیے ہوئے جو فطری طریقے ہیں ان پہ ہم چلیں گے تو وہ خود بخود گروتھ ہوگی. آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم جب چھوٹے آپ کے جب ہوتے ہیں سیڑھی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی جان نکل جاتی ہے. کیا ہے وہ ایج ہے ان کی؟ اچھا, 1 سال زیادہ ہیں. آپ 6 مہینے کے بچے کو سیڑھی کے پاس لے جا کے چھوڑیے. آپ نے کبھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ آپ 6 مہینے کے بچے کو لے جا کے چھوڑیے اور آپ دیکھیں وہ بچہ کیا کرتا ہے. بچہ اتر کے نہیں دے گا, وہ جائے گا بار بار ہاتھ رکھے گا, وہ اوپر آ جائے گا. میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا اپنے 7-8 مہینے
کہ پوتے پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا, ان کے والدین نے سیڑھیوں میں دروازے لگا دیے تھے اس ڈر سے کہ بچے جائیں گے اور وہ گریں گے. تو میں نے دروازہ کھولا اور میں بولا آ جاؤ بیٹے, میں نیچے کھڑے ہو گیا سیڑھی کے. تو وہ بچہ جو ہے وہ آیا, اس نے یوں ہاتھ ڈالا, پھر وہ اچھا اس نے دو تین ٹرائی کی. اچھا میں نے اس کو بتایا, بیٹی کو بول, اس کی بڑی بہن کو بولا بھائی اس کو سکھاؤ اترنا نیچے, تو وہ بھی الٹا اترنے کی کوشش کری نا ہاتھ, انسٹنٹ کی یوں کر کے اترے تو وہ ہاتھ کے بعد خیر. تو وہ بچہ جو ہے اس نے دو تین اٹیمپٹ کی, اس کے پاس کھسیانا بن کے یوں کھڑا ہو گیا, کھسیانا بن کے سیڑھی کے کونے پہ یوں کھڑا ہو گیا. جب وہ کھڑا ہوا تو کسی طرح اس کا پاؤں سلپ ہو گیا ایک سیڑھی نیچے, اس بچے نے چھلانگ ماری اوپر اور دروازہ بند کر دیا کہ اٹ از ناٹ سیف فار می. ٹھیک ہے, تو بچے تو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یعنی بچے دے ہیو بین پروگرامڈ ٹو پروٹیکٹ دیم. ہمارا جو زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے نا وہ انہیں چکروں میں ہوتا ہے, یہ نہ ہو جائے رہے بچے کو. آپ گاؤں میں جائیے, ڈیڑھ سال کا بچہ سڑک کے کنارے میں, یہاں پوری اسپیڈ سے ٹریفک چل رہی ہے اور سڑک کے کنارے جو ہے وہ ڈیڑھ سال کا بچہ چل رہا ہوتا ہے. آپ نے آبزرو کیا کبھی, آپ نے کبھی گاڑی میں ٹریول اگر کیا ہو؟ صحیح ہے, اللہ میاں نے انسان کے اندر تمام میکینزمز انگرین کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, وی ڈینائی دیٹ بیکاز وی آر انفلوئنسڈ بائی دا ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم, بائی دا ویسٹ. ہم ان کے اوہ میں ہیں, ہم اللہ نے جو نیچرل بچوں میں پوٹینشیل ڈالا ہوا ہے اس کو ہم نے, مغرب تو مانتا ہی نہیں ہے, اب جا کے وہ تھوڑا بہت ماننے لگے ہیں, اور ہم ان کو دیکھا دیکھی, وہ تو ابھی بھی تھوڑا بہت مان لیتے ہیں, ہم تو وہ بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے. کل پرسوں میں ایک ایجوکیشنسٹ کو سنا کہ پیرنٹس ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیئر چلڈرن, وی ہیو ٹو ٹیچ دیم. نہیں دیکھیے کہ پیرنٹنگ از ناٹ اونلی ٹیچنگ دیم الفابیٹس اور ٹیچنگ دیم میتھمیٹکس, پیرنٹنگ از این انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. یو ہیو ٹو میک دا چائلڈ فیل سیکیور انف ٹو ڈیولپ. اس کو آپ نہیں, تو غلطی سسٹم کی ہے پیرنٹس کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ دیکھیے, میں چونکہ میں اپنے چھوٹے بچے میں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا, لیکن غلطی میں نے کی کہ اسکول میں اس کو ڈال دیا, تو میں تو یہ بولتا ہوں کہ میں ہار گیا اسکول جیت گیا. لیکن میں نے جو آبزرو کیا جتنا میری ایکسپیریمنٹیشن تھی بچے کے اوپر, کہ بچے کے کو ہمیں سر پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں, بالکل نیچرل ہیں بچے سے. مجھے ایک بھی انسیڈنٹ یاد نہیں ہے اس بچے کا کہ اس نے مجھے کبھی پریشانی دی ہو, عبداللہ کا, مجھے ایک بھی انسیڈنٹ یاد نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوئی انسیف چیز کی ہو یا مجھے پریشانی دی ہو. جی جی, ویسے تو دیکھیے میں نہیں وہ سب سے چھوٹے ہیں یہ, بڑے بچوں کا تھوڑا بہت حد تک تو مجھے اندازہ تھا, لیکن اتفاقاً جب یہ 92 کی بات ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس وقت میں نے جان ہالٹ کو بھی پڑھا تھا, پریشانی تو بہت عرصے سے تھی. ٹھیک ہے, تو میں تھا کہ وی ہیو ٹو کیری آؤٹ ریسرچ ٹو ڈیولپ آور اون سسٹم, یہ میرے اس وقت دماغ میں تھا, آئی واز اتنا پختہ بھی نہیں تھا اس وقت کنسیپٹ. وہ آپ بناتے ہیں, بچے نہیں بناتے. بچے تو آپ, بچے کو آپ بادشاہ بنانا چاہیں گے وہ آپ کا بادشاہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, غلام مشکل سے بنے گا, بچہ آقا آپ کا بن جائے گا. بچے کو آپ نارمل لیں, آپ یہ سوچیے کہ اگر آپ کے 12 بچے ہوتے تو آپ کس طرح ٹائم ڈیوائڈ کرتی ہر بچے میں, تو دیٹ از ایکچوئل میرے نزدیک وہ ریکوائرمنٹ ہے, اتنا اٹینشن اتنی ٹائم کی ریکوائرمنٹ. اللہ میاں نے آپ کو بولا کہ 3 بچے پیدا کرو یا 2 بچہ پیدا کرو یا 1 بچہ پیدا کرو, یا اللہ میاں نے منع کیا کہ 15 بچے نہیں پیدا کرو, 12 بچے نہیں پیدا کرو؟ اور پہلے تو ہوتے تھے لوگوں کے, ہمارے اصحابہ کے 50-50 بچے بھی تھے. بچہ خود جو ہے ہی نوز ہاؤ مچ اٹینشن
वो आएगा आपसे करेगा आप प्यार कर ले मोहब्बत के फिर वो चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसके गिर्द अपना हसार बांध के रखेंगे तो उसी लिहाज से फिर वो आपको जो है यूटिलाइज़ करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों को मोहब्बत नहीं, बच्चों को मोहब्बत बे लॉस मोहब्बत आप बोल रहे थे, बच्चे को अनकंडीशनल लव दें आप। आप जब अनकंडीशनल लव देंगे आप देखेंगे वो बच्चा जो है वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, और वो आपको हर बात आपसे शेयर करेगा, अपने परेशानियाँ आपसे शेयर करेगा। आपने जहाँ बच्चे पे डाउट करना शुरू किया वो बच्चा आपसे आहिस्ता आहिस्ता लॉक आउट होता चला जाएगा। ठीक है, रिसर्च के लिहाज से द बेस्ट थिंग इज़ एक्सपोज चिल्ड्रेन टू डिफरेंट फिनोमेनाज। मैंने सेशन कराया था जिसमें सलमान साहब के बच्चे थे और कुछ और ही बच्चे थे। उस सेशन में मेरा जो फोकस था वो मैंने उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुवत हैं अक़वात हैं जो अल्लाह की सिफ़ात हैं जो यानी मैंने उस सेशन में बच्चों को थ्रू लॉजिक एंड थ्रू साइंस ये कम्युनिकेट किया था कि अल्लाह मियाँ हैं क्या, और सिर्फ अल्लाह मियाँ हैं क्या नहीं बल्कि उसके गिर्द हमने जो अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सवाल अगर मैं इब्राहिम से करूँ, पता नहीं उनको कि अल्लाह मियाँ गलती क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप ये सवाल करते हैं कि भाई अल्लाह मियाँ गलती क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता अल्लाह मियाँ गलती, फिनोमेना गलत क्या है सही क्या है, हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट। गलती क्या होती है सही क्या होती है वो किसने डिफाइन किया है, अल्लाह मियाँ ने डिफाइन किया। अल्लाह मियाँ जो भी करे वो सही है, अल्लाह मियाँ जो भी करे वो सही है। अगर अल्लाह मियाँ बोलता कि दिन में तुम्हें 3 घंटे उल्टा लटकना है तो क्या ख्याल है, वो गलत होता राइट इसी तरह से डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट मैंने थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज जो है इन बच्चों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि अल्लाह मियाँ क्या है और किस गुनाह क्या होता है सवाब क्या होता है, इन बच्चों से पूछ लें या आपको बता देंगे। मैं डेफिनेटली अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप वो जवाब नहीं दे सकेंगे जो ये बच्चे दे सकेंगे कि गुनाह क्या होता है और सवाब क्या होता है। और ये कोई बड़ी मेहनत नहीं थी, वो सिंपल क्वेश्चन आंसर्स में जो है दे कुड डेवलप दीज कंसेप्ट। हमारी बिल्कुल बात किससे शुरू हुई थी, खुदी से, कि खुदी का क्या दखल है। ठीक है ना, वी डिस्कस्ड कि जो खुदी है वो बिल्कुल फर्स्ट ब्लॉक है इन योर ग्रोथ, इन योर मेंटल या इल्म का ग्रोथ या अकल का ग्रोथ जो है ना, उसमें आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है वो खुदी है। कोई चीज़ जो खुदी को फैसिलिटेट, इकबाल की भी डेफिनेशन है, कोई चीज़ जो खुदी को फैसिलिटेट करती है, खुदी क्या है, खुदी क्या है, खुदी का जो बिल्कुल आसान डेफिनेशन है वो ये है किसी चीज़ का उस तरह अपने आप को जाहिर करना जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बनाया है। समझ रहे हैं, कोई चीज़ ले लें, हर चीज़ हर ज़र्रा खुद नमाई में लगा हुआ है, वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है। एक जो वायरस होता है वो अपना काम पूरा करता है। ठीक है, हर चीज़ दुनिया में जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको डिज़ाइन किया है वो अपने आप को शो अप कर रही है। तो आप में जो अल्लाह में आपको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पोटेंशियल दिया है एज़ हिज़ नायब ऑन दिस अर्थ, उसका सही इजहार, उसका सही इस्तेमाल, उसका सही नुमाई जो है वो दैट इज़ खुदी। इकबाल, अच्छा, खुदी को खालिक को मग़रिब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो खालिक को उसका सही स्टेटस नहीं देता, जो मानता नहीं है, जो जिसने अपने जितने भी सिस्टम डिज़ाइन किए वो खालिक के गिर्द नहीं किए। ठीक है, दे कैन नॉट कंडक्ट देमसेल्व्स
ایز پر دا وشز آف دا خالق ہے. جس طرح خالق, وہ خالق کو ہی نہیں مان رہے, وہ یہی نہیں مان رہے کہ آپ کا جو ہے جی کوئی کریٹر, اس کو نہیں مان رہے. تو وہ یہ نہیں مان رہے کہ آپ کا کوئی اسپیشل فنکشن اللہ میں نے اس دنیا میں رکھا ہے. آپ کا خیال ہے کوئی آپ کا اسپیشل فنکشن ہے اس دنیا میں؟ کتنا اسپیشل فنکشن ہے, کتنا اسپیشل فنکشن ہے آپ, آپ کا اسٹیٹس کیا ہے اللہ میاں کے بعد؟ آپ کس کیٹی, کہاں پہنچتے ہیں آپ؟ ہاں عبد کا ہے, لیکن آپ کا جو اللہ نے جتنی تخلیق کی ہے, آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بعد آپ کا اسٹیٹس ہے. آپ کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے, تمام چیزیں آپ کے تابع کر دی گئیں. ڈو وی ریئلائز دس؟ اس کی ریئلائزیشن اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا اقبال کے نزدیک یہ خودی, خود نمائی جو بولتے ہیں. خود نمائی کا یہ مطلب نہیں کہ شو مارنا, خود نمائی جو ہم برا سمجھتے ہیں, وہ جو آپ نہیں ہیں وہ آپ بننے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. لیکن خودی کا جو ہے جو, اور اللہ میاں نے آپ یقین مانیے, ہم میں سے ہر شخص کے اندر اللہ میاں نے وہ پوٹینشیل ودیت کیا ہوا ہے ٹو ایکٹ ایز ہز نائب, ٹھیک ہے, ٹو ایکٹ ایز اے سیکنڈ ان اسٹیٹس. وہ اللہ میاں نے ہمارے اندر کیا ہوا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کی ریئلائز کرتے ہیں؟ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم نے سوال کیا اپنے آپ سے. اچھا پہلے آپ کا جو اسکولنگ, ہوم اسکولنگ کا جو ہے نا, اسکولنگ ایک پورا کنسیپٹ ہے اصل میں, جہاں ایکسٹرنل انٹروینشن کے تھرو یو امپوز اے سرٹن پروگرام آن دا چلڈرن. آپ کو ایک کریکولم آپ آپ جی سوری ہاں باہر سے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اسکول کا کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکول کب قائم ہوئے, جب کہ انہوں نے انڈسٹریل ایج شروع ہوئی اور انڈسٹریل ریولیوشن آیا, تو اس کے لیے لوگ تیار کرنے کے لیے انہوں نے اسکول کے کریکولم کو ڈیزائن کیا, جو آج تک چل رہا ہے. آپ کو جتنا پڑھایا جاتا ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر نوکری کریں گے اور آپ کمائیں گے. اس میں پھر بولتے ہیں کہ ویلیوز بھی ڈال دیں, ٹھیک ہے, وہ دیٹ از اے سیکنڈ پریورٹی کہ ویلیوز بھی ڈال دیں. ویلیو دیکھنے نہیں ڈال رہے تو لوگ جو ہیں جنگل جنگلی بن رہے ہیں. ہمیں جو ریئلائز کرنا چاہیے, دنیا میں آپ ایک آدمی بولیں کہ جو اپنی روزی کی فکر نہیں کرتا ہو. جس طرح چرند پرند کرتے ہیں اپنی روزی کی فکر, اللہ میں نے ہر انسان کے اندر بھی اس کی فکر ڈالی ہے ٹو سپورٹ ہز فیملی. اللہ کی کتاب میں 15 سال کی عمر میں بچہ میچیور ہو جاتا ہے, لڑکا نہیں ہوتا, فیملی گرو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. کیا یہ جو نظام تعلیم ہے وہ اجازت دے گا کہ 15 سال کی عمر میں بچہ شادی کر لے, فیملی گرو کرے؟ نہیں کرے گا نا, وہ تو 30 سال تقریباً 25 سے 30 سال میں جا کے. تو واٹ ڈز دیٹ مین, یا تو اللہ میاں نے غلطی کی اپنی ڈیزائننگ میں یا ہم غلطی کر رہے ہیں. مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ مغرب کی جتنی تھیوریز ہیں وہ ان کی ازمپشنس پہ ڈیولپ ہوئی ہیں نا, وہ ہوم اسکولنگ کی تھیوری ہو یا اسکولنگ کی تھیوری ہو یا ان کی فائنینس کی تھیوریز ہوں یا سائیکالوجی کی ہو, وہ ان کی اپنی ازمپشنز پہ ڈیولپ, کہ وہ انسان کو کیا سمجھتے ہیں اور انسان کے نصب العین کو کیا سمجھتے ہیں, اس کے منتہا جو ہے اس کے آبجیکٹیو کے منتہا کیا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جس طرح سمجھتے ہیں اسی لحاظ سے وہ پورا پروگرام ڈیزائن کریں گے, جو غلط جو خامی ہے ویسٹ میں, ٹھیک ہے. اچھا ہم اگر کچھ کریں گے تو ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ اللہ میاں نے بچے کو پیدا کس طرح کیا, اس کا مقصد کیا رکھا ہے, ٹھیک ہے, اور بچے کے اندر اللہ میاں نے کیا کیا چیزیں پہلے سے ودیت کی ہوئی ہیں. ہم اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنا تربیتی و تعلیمی نظام ڈیولپ کریں گے, صحیح ہے. اسکولنگ جو ہے ایک یہ خاص کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کنسیپٹ میں یہ ہے کہ آپ
दो उसके पहलू, एक तो आप स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में वो एक गोल को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्कूल स्कूल स्कॉल ऑफ फिश बोलते हैं ना, वो उस गोल को साथ लेने की कोशिश करते हैं, साथ जाने की। क्या ये मुमकिन है कि आप गोल को लेके आगे बढ़ सकें और इंटेलेक्चुअल लेवल पे ला सकें? ठीक है, नहीं हो सकता ना, जी हाँ। अच्छा, स्कूलिंग का कुछ पूरा फ्रेमवर्क है, उसके पीछे पूरे कुछ कंसेप्ट हैं, अगर आप उन कंसेप्ट को घर में ला के अप्लाई करते हैं तो यू आर नॉट डूइंग अ न्यू थिंग, यू हैव ब्रॉट स्कूल टू योर होम, है ना, तो नुकसान आपको बहरकैफ होंगे। जिस चीज़ की रियलाइजेशन की ज़रूरत है वो यही है कि आया नेचुरल तौर पे अल्लाह मियाँ ने बच्चे को तरबियत के लिए किस तरह तैयार किया है। तो अभी जो बात थोड़ी थी कि बच्चे के अंदर क्या सिफात रखी गई हैं, बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ रखी हैं, कहाँ तक बच्चे की इंडिपेंडेंस है। स्कूल में आप खुदी को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, वहाँ का हर एक्शन जो है वो खुदी के ख़िलाफ़ होता है, इसलिए नहीं तो स्कूल का कोरम मेंटेन नहीं होगा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। खुदी को अगर आप इंटैक्ट रख सकते हैं तो वो एक घर के माहौल में उसको इंटैक्ट रख सकते हैं, या एक खुले टुले माहौल पे उसको इंटैक्ट रख सकते हैं। बच्चा जो है 3 साल की उम्र, 3 महीने की उम्र में भी ये बता सकता है कि, बता नहीं सकता, वो डिस्टिंग्विश कर लेता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ ख़राब है, 3 महीने की उम्र में भी। वो ये बोल रहा है, मगरिब ये बोल रहा है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, कि ये बच्चे की पैदाइश में ही वदियत, उसमें ये सिफ्त होती है। मेरा असल में जो पूरा कहने का मकसद है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जहाँ मैं पहुँचा हूँ, वो ये है कि हर इंसान अल्लाह की तरफ से प्री प्रोग्राम्ड आता है फॉर इट्स ओन ग्रोथ, बोथ बॉडीली एज वेल एज हिज मेंटल और कॉग्निटिव ग्रोथ। ये अल्लाह की तरफ से, अगर हम इसको आराम से लेते हैं एंड वी लेट द चाइल्ड फॉलो इट्स ओन पैटर्न्स, वी जस्ट बिकम फैसिलिटेटर्स इन इट्स लर्निंग, वो बच्चा सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, ग्रो करेगा। ग्रोथ जैसे आपकी बॉडी ग्रो करती है ना, इसी तरह आपका इंटेलेक्ट ग्रो करता है, आपकी नॉलेज ग्रो करती है। अच्छा जी, जो प्रिंसिपल फॉलो असल में हो रहा है, जो जॉन हॉल्ट की भी ऑब्जर्वेशन है, जो इमाम गजाली की, जो आपके मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब की पूरी किताब मौजूद है, कि जो लर्निंग है दैट फॉलोज़ द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, वो ख़ुद ब खुद वाकई होती है, अपनी एज के लिहाज से बच्चा खुद डिमांड करेगा एंड यू हैव टू फैसिलिटेट। इस वक्त क्या हो रहा है कि हम ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो बेवकूफ़ है या उसमें ये चीज़ें नहीं, और हमें ये चीज़ें उसको देनी है, ज़बरदस्ती हम इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं। आपको जब ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप बागी हो जाएंगे। बच्चे बागी हो रहे हैं इस वक्त, नहीं हो रहे? स्कूल में भी बच्चे बागी हो रहे हैं, घर में भी बच्चे बागी हो रहे हैं, कहना नहीं मान रहे, वो बोल रहे हैं कि भाई आके तुमने होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, है ना। इफ़ वी गो बाय द प्रिंसिपल्स जो कि अल्लाह की तरफ से हैं, यू विल बी मोस्ट कंफर्टेबल। हाँ, आजमाइश आपके लिए ज़रूर है, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे भी, ठीक है, लेकिन अगर इफ़ यू आर अ गुड रोल मॉडल फॉर देम, बिलीव मी, वो आज वो काम नहीं करेंगे तो वो कल वो काम ज़रूर करेंगे। यू हैव टू प्ले, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्व्स, आपको अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने आप को बचाना है। आप कीजिए, वो खुद ब खुद जो है रेलगाड़ी की तरह ये चीज़ें फॉलो अप। दिस इज़ माय एक्चुअली माय आप बोलिए कि फाइंडिंग। इस वक्त तो मैं हैरान होता हूँ कि जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जो इस्लामिक एजुकेशनिस्ट हैं, जो मेरे PhD में जिन पर मैंने रिसर्च की थी, वो पूरी तरीके से मग़रिब से मुतासर, पूरी तरीके से मग़रिब से मुतासर। एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाऊं। एक बाहिजाब खातून जिनका स्कूल मशहूर आलिमा हैं, जिनकी वो तालिब इल्म, जिनका उन्होंने कोर्स किया हुआ है, उनके स्कूल में जो उनकी प्रिंसिपल हैं, वो 20 साल का उनको एक्सपीरियंस है, और वो उनकी प्रिंसिपल मुझे ये बता रही थी कि
हम बच्चे को 2.5 साल में लेते हैं एंड सिर्फ वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं और कोई और ज़बान स्कूल में नहीं बोल सकते, और हमने जो है हम उनको अंग्रेज़ी अहले ज़बान ही की किताबों से सिखाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं किताबें, ठीक है। एक तरफ उनका ये स्टेटमेंट था, और अगर वो बात करें तो हम उनको पेनालाइज़ करते हैं अगर अंग्रेज़ी के सिवा किसी और पे बात करें। 2.5 साल के बच्चों का बता रहे थे, उनसे मैंने ये बोला कि आप जो किताबें उनकी पढ़ा रही हैं तो आप उनका जो कल्चरल इफ़ेक्ट है उसको आप किस तरह काउंटर कर रही हैं। उनका बड़ा सिंपल जवाब था, दानिशमंदी उसमें आप बोलते नहीं 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 दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। हमने उनकी टीचर्स को बता दिया कि जब उनको आप पढ़ा रही होंगी तो बताते जाएं बच्चों को कि क्या चीज़ गलत है इसमें और क्या चीज़ सही। 2.5 साल के बच्चों को वही बोलेगा जो मेरे बेटे ने बोला था कि अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं बता क्यों रही हूँ, है ना। तो बहर कैफ बताना ये मकसूद है मेरा कि वी हैव टू ओपन आवर आइज। तालीम बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, तालीम के लिए हर बच्चा प्रोग्राम्ड है। बच्चे को था कि बच्चे को वो बच्चे की रिसर्च में किस तरह डाला जाए, बच्चा रिसर्च में होता है। बच्चे को आप फैसिलिटेट करें, बच्चे की जो बच्चे को डिफरेंट फिनोमेना से एक्सपोज कीजिए, कुरान की आयत के चले फिरे नहीं आप घूमें फिरें, ठीक है। बच्चों को दिखाएं, दुनिया दिखाएं, बच्चे जो हैं वो चीज़ों से एक्सपोज होंगे, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ दे विल लर्न। बच्चा 10 11 12 साल का होता है, अगर आप उसको प्रोफेशनल उसमें डालना चाहते हैं तालीम में, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप उसको फैसिलिटेट कीजिए, ओ लेवल्स लेवल्स आप उस साल उस उम्र के बाद आप जाके उनसे बेशक करवा लें अगर आप मजबूर हैं वो करवाने में, अगर आप मजबूर हैं जी बिल्कुल सही। आप ये आप अगर जाएं ना ये कुरंगी में जाएं तो कुरंगी में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, आप उन फैक्ट्रीज़ में एंटर हों तो जो ज़्यादातर ओनर्स हैं वो अंगूठा चाप हैं, और जो उनके उनके जो मुलाज़मीन हैं वो MBAs हैं। एम आई राइट एम आई रॉन्ग? तो डज योर एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशन, वो तो आपको ख़त्म करता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेट्स, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप डालें बच्चे को किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट कर दें। जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है उसका यही है कि आप जहाँ अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो रिसर्च उसकी जो है वो हैम्पर होगी। बच्चों को छोड़िए रिसर्च करने दीजिए, रिसर्च में बच्चा जो है कभी डेविएट भी होगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आपकी तरबियत अच्छी है, आपकी रोल मॉडलिंग अच्छी है तो बच्चा विल कम बैक टू द नॉर्मल। सही है। मैं हमारे हमने स्कूल किया मैट्रिक सिस्टम में, हम लोग जो हैं हमें बड़ी खुली टुली जो है एजुकेशन होती थी, सोचने का बहुत वक्त हमें मिलता था, जंगलों में हम घूमते रहते थे, आवर पेरेंट्स वर लीस्ट बॉदर्ड। एट द एज ऑफ 12 आई कंसीव्ड ऑफ अ सिस्टम जहाँ मुझे एक्सेलरेशन का पढ़ाया गया, पेंडुलम वगैरह का पढ़ाया गया, तो आई कंसीव्ड ऑफ अ सिस्टम के वेयर बाय कि अगर आप गाड़ी में वो रख दें वो उस ब्लॉक को तो और वो गाड़ी कहीं से होके आ जाए तो आप बता सकते हैं कि वो गाड़ी कहीं गई थी, कहाँ गई थी। 13 साल का होंगे मैं, 13-14 साल का, और बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये जो है जायरो नेविगेशन ये डेवलप हुआ सिस्टम्स ऑन द एयरक्राफ्ट उन्होंने इन चीज़ों को। तो बच्चा तो और हर बच्चा इस तरह होता है, वेरी क्रिएटिव। जहाँ आप असेसमेंट में जाएंगे वहाँ आप मारी जाएंगी, अल्लाह मियाँ आपको एक ही दफ़ा एसेस करेगा आखिरत में, ठीक है ना। अल्लाह मियाँ आपको हर महीने या हफ्ते नहीं एसेस कर रहा होता, आप जब सही चीज़ करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली गुड थिंग्स विल टेक प्लेस उसमें। फिर आपको सबसे जो बेहतरीन चीज़ हमारे पास है, क्या ख्याल है सबसे बेहतरीन टूल हमारे पास क्या है? सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमारे पास कुरान है। अपने आप को आप कुरान से जोड़ लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आँखें खुलते चले जाएंगी। सॉरी, जज नहीं कीजिए, वही तो चक्कर ये है कि आप जब जज करेंगे तो किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट करेंगे और वो क्राइटेरिया गलत हैं इस वक्त। हाँ कंपेरिजन, वो बच्चा ये कर रहा ये नहीं कर रहा, और वो बड़ा तकलीफ दह होता है बच्चे के लिए। नहीं नहीं वो जी, वो आप उस फिक्र में ना जाएं, आप डोंट टेक एनी करिकुलम, डोंट टेक एनी असिस्टेंट,
पेरेंट्स आर स्मार्ट इनफ टू डिसाइड व्हाट देयर चाइल्ड रिक्वायर अगर आप अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर आप अपनी कॉमन सेंस को बलाए ताक रख के किसी और की कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या मगरिब की, तो यू वुड नेवर बी इन अ स्टेबल कंडीशन. यू विल नेवर बी इन अ स्टेबल कंडीशन. करें बच्चा, सबसे पहले क्या बच्चे को आप रिकग्नाइज़ करें कि बच्चा बेहतरीन तख्लीक है और उसके हकूक़ हैं जिसको आपको देना, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है और उसने आपको रायतन दी है आजमाइश के लिए, फितना जो बोला गया है. आप नेचुरल चीज़ है, देखिए नेचुरल चीज़ है, अगर बच्चा सपोजिंग आग में हाथ डाल रहा है तो आप रोकेंगी, ठीक है ना. लेकिन आप बच्चे को, जब बच्चे के जो वैल्यू सिस्टम है आपसे बेहतर है, बच्चों का जो वैल्यू सिस्टम है वो आपसे बेहतर है, वो इनग्रेंड, वो बच्चा साथ लेकर आया है. हम तो हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ बहुत टेम्परिंग हो चुकी है, ठीक है. उस पर आप शक ना करें. आप बच्चे पर जहाँ शक करेंगे वो बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएगा वो शक, और बच्चा जो है ही विल बी अनकम्फर्टेबल विद यू, ही विल नॉट ट्रस्ट यू. एक्चुअली बच्चा बहुत मज़ेदार है, बच्चे को इन्जॉय कीजिए. अल्लाह ने बहुत प्यारा तोहफ़ा दिया है. जो बेहतरीन अल्लाह के जो तहफ़ हैं इंसान को, उनमें से एक तोहफ़ा औलाद है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, बच्चे की इंटेलिजेंस भी से झलकती है. हमारे मेरा एक पोता और एक पोती, देवर आई थिंक 4 years and 3 years or 3 years and 2 years, 4 years and 3 and a half and 2 and a half years. आप क्या कर रहे हैं उस सेगे में थे, आप क्या कर रहे हैं, सब आपसे जो है वो चल रहा था, उनके वालदा ने सिखाया था. देन ऑल ऑफ अ सडन इन वन इंस्टेंट दे चेंज ओवर टू तुम एंड तू, बोथ ऑफ देम टुगेदर. अच्छा, उनकी वालदेन परेशान, अब वो उनके पीछे पड़ा, वो बच्चे बिल्कुल. अच्छा, ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने अपना तू का सेगा पूरा करेक्ट किया इन अ फ्यू डेज टाइम. उसके बाद दे रिवर्टेड बैक टू आप, ऑल ऑफ अ सडन दे रिवर्टेड बैक. इज़न्ट इट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंस, ये कहाँ से? नहीं, वो अपना सेगा करेक्ट कर रहे थे. जैसे तू का है, तू के साथ क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होंगे. 2 साल का बच्चा, उसके वालिद ने उर्दू बोलते हुए एक ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी. मैं टेबल पर बैठी कंप्यूटर में काम करूँ, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया वो. उसने अपने वालिद का सेंटेंस दोहराया गलत, उसके साथ जेंडर था कुछ, गलत जेंडर के साथ दोहराया. एक और दफ़ा दोहराया, फिर वो खामोश हो गया. तीसरी दफ़ा उसने करेक्ट करके दोहराया. चिल्ड्रन आर सेल्फ करेक्टिंग, ठीक है, दे आर प्रोग्रामड टू डेवलप देमसेल्व्स. बच्चे जो हैं, यानी अल्लाह मियां ने इंसान की तमाम इंसानियत में भी सेल्फ करेक्टिंग, आपके जिस्म के अंदर भी सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है. आपको जो बुखार होता है, ठीक है ना, वो सेल्फ करेक्शन के लिए. इसी तरह इंसान के इंटेलेक्ट में भी अल्लाह मियां ने ये रखा है. बच्चों पे भरोसा कीजिए. दूसरी बात, अपने स्पाउसेज पे भरोसा कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, ठीक है ना. हमारे बड़ी टेंशन बच्चों की वजह से भी होती है और वो बच्चों पे बड़ा गिरा गुजरता है, सही है. शो योर, द थिंग वी रिजॉइस अबाउट आवर पेरेंट्स इज देयर लव विद ईच अदर. आई मीन दे वर इन लव विद ईच अदर. और आखिर तक ठीक है, आपस में छोटी मोटी नोक झोंक, लेकिन दोनों जो हैं एक दूसरे के पास, ठीक है. तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी तरबियत के लिहाज से. बी वेरी कम्फर्टेबल जिनके स्पाउसेज हैं, सही है. डोंट डाउट योर स्पाउसेज, ठीक है, वो बच्चे में भी ट्रांसलेट होगा. हर इंसान में अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश कीजिए. आप यकीन मानिए कि हर इंसान में अल्लाह मियां ने अच्छी सिफात रखी हैं. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जब किसी से डिसलाइक करते हैं तो उसकी गलत सिफात के पीछे पड़ जाते हैं. राइट हो जी, प्लीज़. मोहब्बत बच्चे का फर्क है. जी, तो दूसरी तरफ आपने एक बात बात की थी कि हम अपने बच्चों के गुलाम बने हुए हैं,
अब असल में इसमें एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि किस लेवल तक बच्चों के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार करना है, दिल में तो सबके मोहब्बत होती है जी जी, किस लेवल तक बच्चों के मोहब्बत का इजहार करना है कि वहाँ पर जाकर उस पर थोड़ी सी सख्ती करने की जरूरत है। इसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर गैजेट्स की बात कर लेते हैं, मोबाइल की स्क्रीन टाइम्स की बात कर लेते हैं, ये दूसरे तीसरे लेवल का इशू है कि अंदर प्रॉपर्टी रेगुलेटेड बहुत बड़े मसले होते हैं, बच्चे स्क्रीन टाइम देख रहे हैं और जो है उसमें वो कोई हर्डल नहीं है क्या देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, वहाँ पर शरीयत का भी मामला आ जाता है, वहाँ पर बच्चों की नेशनल मुस्लिम का भी मामला आ जाता है। अब वहाँ पर अगर स्कोल्डिंग करें थोड़ा डांटें कुछ करें तो वहाँ पर फिर मतलब मामला किस तरह से देखने चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है। इस आज सुबह को भी असल में सवाल एक मेरे वर्कशॉप थी, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपने माँ बाप को देखेंगे स्क्रीन पे तो वो उनको उसकी आदत पड़ेगी, अगर अपने माँ बाप को नहीं देखेंगे तो कम से कम उन पर आदत नहीं पड़ेगी, ठीक है कभी जाएंगे अपने दोस्तों के साथ लेकिन उनमें वो आदत नहीं पड़ेगी कि वो आपके मोबाइल पे लेके जो है, बहुत हद तक हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवर ओन रोल मॉडलिंग। सही है, जहाँ तक सख्ती की बात है, मैं पता नहीं वो मेरे जो छोटे बेटा जिसका मैं जिक्र करता हूँ गलती से कि एक दो मैंने यूँ हाथ लग गया उसको और वो ऐसे शौक की हालत में गया कि ये आपने क्या कर दिया। मेरी जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि बच्चों पे लीस्ट सख्ती करनी चाहिए, हमें हजूर की सुन्ना से कोई ऐसा मिलता नहीं है, जो लोग कोट करते हैं वो नमाज की हदीस को कोट करते हैं कि अगर 10 साल में भी नहीं करो तो उसको ज़र्ब लगाओ, लेकिन वो नमाज के साथ मुख्तसर वो जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन तो हजूर की वही हैं कि जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, बच्चों पर रहम नहीं खाता, वो हम में से नहीं। तो ये हमें, मैं ये समझता हूँ कि द लीस्ट आप बच्चों के, आप एक तो पहले बात फिक्र ना करें कि बच्चा, आप अगर रोल मॉडलिंग सही कर रहे हैं, अल्लाह पे आपने भरोसा किया हुआ है, उनको सही माहौल दे रहे हैं, फिर बाकी लेट अल्लाह डील विद इट, इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा जो है वो सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सख्ती करेंगे तो हो सकता है उसका नेगेटिव रिपरकशन बच्चे पे होगा, वो आप ट्रस्ट बच्चे का आप पे उड़ जाए। असल में आपको बात बताऊं कि बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चों को अगर आप सही तरीके से समझा, मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, इसको आप किसी तरह आप उससे रिलेट कीजिए कि मेरा पोता था, एक पोता 6-7 महीने का होगा, वो टेबल पर बैठा हुआ था और उसने एक छुरी उठा ली, तो जैसे ही उसने छुरी उठाई मेरे बेटे ने जो उसका वालिद था उसने यूँ छुरी उसके हाथ से छीन ली, ठीक है। वो बच्चा जो है उसने धाड़ लगाई, मैंने उस बेटे को समझाया कि बेटा ये कोई सही तरीका नहीं है, अगर आपको छुरी, जाहिर बात है आप लेंगे छुरी लेकिन बच्चे को आप छुरी आप हाथ से पकड़ लें, बच्चे को समझाएं, वो बच्चा नहीं समझेगा आपकी बात लेकिन बच्चा ये समझेगा कि देयर इज सम रीज़न Why you are retrieving this knife from him? There is some reason. वो बच्चा थोड़ा सा प्रोटेस्ट करे उसके बाद खामोश हो जाएगा, उसने किया, उसने उसको दोबारा छुरी दी, पकड़ के रखी और उसको समझाया, took the knife off, उस बच्चे ने उसके बाद सही हो गया या वहाँ लगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए बच्चे को आप रीज़न, आप छोटे बच्चे की नाक साफ़ करते हैं, इतनी बदतमीजी से साफ़ करते हैं, वो बच्चा वो इरीटेट हो जाता है, कुछ भी करें, नैपी चेंज करें, ये करें, बच्चे को पहले बताएं, कॉन्फिडेंस मिलें, आप देखेंगे कि वो बच्चा आपसे बहुत कोऑपरेट करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्लाह मियां हमें और मौके दे। बच्चे तो बहुत प्यारी, आप कुछ ना करें, आप लोग सिर्फ अपने बच्चों को ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा क्या है, आपको खुद समझ में आ जाएगा।